बहू के इलाज के नाम पर लिए 16,000 रुपए, एक साल हो गया नहीं दे रहा, की एसएसपी से शिकायत, शिवपुरी। खबर शिवपुरी एसपी ऑफिस से है, जहां ग्राम मुड़खेड़ा सुभाषपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिमला आदिवासी ने एसएसपी को शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि हरविलास नामदेव को करीब एक साल पहले 16,000 रुपए उधार पैसे दिए थे और अब पैसे मांगने पर वे गाली गलौज और मारने की धमकी देता है। पूरा मामला यह है कि जहां महिला ने बताया कि हरविलास नामदेव द्वारा बहू के टांके काटने के नाम पर 16,000 रुपए लिए थे, लेकिन कई दिनों बाद जब महिला में पैसे वापस मांगे तो अब पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते महिला ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? शिमला। कहाँ से आए हो? मुड़खेड़ा से। कहाँ पड़ता है? मेरा लड़का तो ये मुड़खेड़ा टोल पे। किस जगह? थाना कौन सा लगता है? सुभाषपुरा। क्या समस्या लेके आए हो? समस्या तो यही है कि हमने पैसे दिए थे, वो पैसे वापसी नहीं करे हैं। किसने, किसको दिए थे आपने? हरविलास को। कौन है ये? छीपा। कहाँ रहता है? केरुआ। तो ये कैसे आपने उसको पैसे दिए? मतलब वो बोल रहा था मेरी बहू की तबीयत खराब है, तो उसमें हमें 2,00,000 रुपए लग रहे हैं, तो कुछ पैसे तो हम और लोगों से ले लिए, लेकिन कुछ पैसों की ज़रूरत है तो तुम लोग हमें दे दो। तो हमने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, तो किसी से दिलवा दो, हम वापसी कर देंगे एक हफ्ते के बाद में। आप कैसे जानती हैं उसको? आपकी मुलाकात उससे कैसे हुई? हमारी मुलाकात ऐसे हुई थी कि सरकारी मतलब मास्टर हैं, टीचर, वो हमारे यहाँ पे आए थे बच्चों के कागज़ लेने के लिए, तो हम उनके वो कागज़ लेके गए थे, उनने बच्चों का एडमिशन कराया, बच्चों भी स्कूल में पढ़ने लगे थे, और उसके बाद में फिर वो उसके साथ आया था ना, तो ऐसे हमारी मतलब जान पहचान हुई थी कि जो उनके साथ आए थे ऐसे। तो कितना समय हो गया आपने पैसे दिए हुए आपको? मतलब एक साल और एक महीना हो गया है शायद, और एक साल, एक साल हो गया। तो अब क्या कहते हैं, पैसे नहीं दे रहा है क्या? वो पैसा देने के नाम पे तो वो गाली गलौज करता है, वो बच्चों को मारने की धमकी देता है, मेरे लड़कों को मारने की धमकी देता है। तो आपने संबंधित थाने में शिकायत करी? हमने मतलब करी थी, लेकिन उन लोगों ने कोई भी सुनवाई नहीं की। अच्छा, आप क्या चाहते हो अब आप? हम तो ये चाहते हैं कि जो हमने पैसा दिया है वो वापसी करें।